अक्षय जी, हम सभी जानते हैं कि आप जो है गुटखा तंबाकू इन सारी चीजों से काफी दूर है, लेकिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ एक ऐसे एक्टर हैं जो कि इनके काफी इन सारी चीजों का काफी सेवन करते हैं, तो आप चाहेंगे, कुछ एक आपके काफी करीबी दोस्त भी हैं, तो आप चाहेंगे कि आपके जो दोस्त हैं ये स्वर्ण साथी यूज करें और आप चाहेंगे कि वो तंबाकू बीड़ी ये सारी चीजें छोड़ दें? हाँ जी बिल्कुल, मैं कौन नहीं चाहेगा, चाहे वो दोस्त हो दुश्मन हो जिसके लिए भी हो, स्वर्ण साथी सबके लिए है और मैं चाहूँगा कि लोग इसका इस्तेमाल करें और बुरी चीज़ नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, लाभदायक चीज़ है एंड ये बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स जो शरीर के अंदर होते हैं उससे लड़ती है और मैं यही चाहूँगा, बल्कि अभी हाल ही में दिवाली आएगी तो कई लोगों को मैं हैम्पर बना के भी भेज दूंगा इसके बारे में। जी जी, अच्छा जी, किसी का नाम लेना चाहेंगे आप अपने दोस्तों का कि जो इन सारी चीजों को छोड़ दे? क्यों बेटा, तारे ताकि तेरा चैनल चल जाए। हाय अक्षय। ओके अक्षय जी, टॉयलेट एक प्रेम कथा जो है, एक आखिरी सवाल, टॉयलेट एक प्रेम कथा चाइना में भी रिलीज हो रही है, उसका नाम है टॉयलेट हीरो, चाइना में काफी अच्छा बिजनेस होता है, अगर आप कुछ कहना चाहें, कितने एक्साइटेड हैं आप? बेटा उसके बारे में आप और मैं वार्तालाप बाद में करेंगे। ओके ठीक, आओ। अक्षय जी, फिल्मों की मैं बात करना चाहूंगा, आप और करीना कपूर 9 साल के बाद एक फिल्म करने वाले हैं, तो आप कुछ बताना चाहेंगे आप कि कितने एक्साइटेड हैं आप उस फिल्म को लेकर? बेटा आप एक काम करो, आप दूसरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना जहाँ इसकी बातें होंगी, अभी फिलहाल ये चल रहा है, आप समझदार इंसान लगते हो मुझे और आप ऐसी बातें कर रहे हो, यहाँ के यहाँ क्या जरूरत है इसकी बातें करने की? अच्छा, हम स्वस्थ भारत की बात कर रहे हैं, आप करीना कपूर की बातें कर रहे हैं। वन क्वेश्चन अक्षय जी, एक आखिरी सवाल ये कि अगर आप बता सके, हमने सुना है हमारी घड़ी में पूछ ले तू अपने दिल की तमन्ना, मेरी घड़ी में 8:36 हो रहे हैं, हमने सुना है ये 8:36 हो रहा है मेरी घड़ी में, हमने सुना है ये आपका सोने का टाइम है, 8 के करीब आप सो जाते हैं, तो इस समय आप, अब तू बंद करेगा तो मैं जाऊंगा। थैंक यू आई विल रिक्वेस्ट अक्षय सर टू काइंडली स्टे ऑन स्टेज।